मैं सी एस रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो आज अपन अब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 की। अब चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वो है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। उसमें तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन आज डिस्कस करेंगे दैट इज मॉड्यूलो अरिथमेटिक। अब मॉड्यूलो अरिथमेटिक क्या होता है, ये बेसिकली एक इक्वेशन ही होती है नंबर्स को प्रेजेंट करने की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा है दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा क्लास 10th के अंदर। तो बस इसी को ही अब मॉड्यूलो अरिथमेटिक क्या बोलता है, आप इसको अरेंज कैसे करो दैट a मॉड ऑफ b इज इक्वल्स टू r। मतलब जब आप a को डिवाइड करोगे b से जो आपका रिमाइंडर आया वो क्या हो जाएगा, a मॉड ऑफ b, ठीक है। अब इसमें अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने करा, अपन को क्वेश्चन बोल रहा है निकालना है, अपन को क्वेश्चन ये बोल रहा है अपन को निकालना है 10 मॉड ऑफ 8। तो अपन क्या करेंगे, 10 को 8 से डिवाइड करा तो 8 वन ज़ा 8, रिमाइंडर कितना है 2, तो 10 ऑफ मॉड ऑफ a आंसर कितना आ गया 2। अब फॉर एग्जांपल अपने पास आया 3 मॉड ऑफ माइनस फोर मॉड ऑफ 3। तो अपन क्या करेंगे, माइनस फोर को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। अब सपोज करो मैं 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 ले लूँ तो माइनस 3, 4 माइनस 4 बड़ा होता है माइनस 3 बड़ा होता है, ऑब्वियसली माइनस 3 बड़ा होता है तो नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें छोटा होना चाहिए। तो मैं ले लेती हूँ मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 6। अब जब डिवाइड करते तो साइन चेंज होता है नीचे वाले का, साइन चेंज तो आंसर क्या आया 2। तो इसका आंसर कितना आया अपना रिमाइंडर 2। ये चीज़ एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर सपोज आपके क्वेश्चन आ जाए दैट 9 + 28 मॉड ऑफ 5 निकालना है, तो कैसे करना है, कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस कर दो, 28 + 9 कितना होता है 37 मॉड ऑफ 5, 37 मॉड ऑफ 5 क्या करेंगे सिंपल 37 डिवाइड बाय 5, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास होता है वो होता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो मतलब इसको अपन एक पहले एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को बोला गया, अपन को निकालना है 13 मॉड ऑफ 2, अपने पास एक पार्ट तो है 13 मॉड ऑफ 2 और नेक्स्ट है माइनस थ्री मॉड ऑफ टू। तो मुझे बताओ 13 मॉड ऑफ 2 तो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1, और माइनस थ्री मॉड ऑफ 2 रिमाइंडर भी कितना आएगा 1। क्या दोनों के केस में रिमाइंडर सेम आया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों का कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। इसका मतलब अगर हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब माइनस थ्री इज कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस में ट्रिपल लाइन आती है 2, 13 मॉड ऑफ 2 लिखो एक ही बात है, या 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस थ्री मॉड ऑफ 2 लिखो एक ही बात है। अच्छा ये याद रखना, ये चीज़ सेम होनी चाहिए मॉड ऑफ टू, तभी आप क्या करोगे इसको प्रूफ कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर है। अब अपन इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, ये अगर जब मॉड्यूलस क्या कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब जब आप करोगे, ये अपने लिए ए और बी होता है, तो जब अपन क्या करेंगे 13 माइनस थ्री करेंगे भाई, अपन क्या करते हैं ए माइनस बी, तो इसका आंसर कितना है 16 आया। 16 को जब 2 से डिवाइड करोगे, मतलब इससे, ये अपना n डिनोट होता है, तो जब अपना इसको करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या होगी प्रूफ होगी। तो इसको अपन लिखते कैसे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। ये चीज़ क्लियर है, अगर डिविजिबल नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी नहीं है,
ठीक है, अब बनाते हैं अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। फॉर एग्जांपल आपको बोला है सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा करना। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, हाँ, 576 प्लस 789 मॉड ऑफ 9। अब इसको देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो इन दोनों को प्लस कर दो और आंसर निकाल दो, भाई डिवाइड कर लो जो भी रिमाइंडर है वो आंसर हो जाएगा। या फिर तरीका नंबर टू क्या करोगे आप, इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है दैट ये याद रखना, a प्लस बी मॉड ऑफ n कैन बी रिटन एज a मॉड ऑफ n प्लस बी मॉड ऑफ n, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे ही करते हैं कि क्या हो जाएगा, 576 मॉड ऑफ 9 प्लस 789 मॉड ऑफ 9। अब 576 मॉड ऑफ 9 तो रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 मॉड ऑफ 9 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करो रिमाइंडर कितना आएगा अपना, 9 8 72 9 7 63, रिमाइंडर क्या है 6, तो ये हो गया अपना 6 मॉड ऑफ 9। अब मॉड ऑफ 9 एक तरह से कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 0 प्लस 6, तो 0 प्लस 6 मतलब क्या बचा, 6 मॉड ऑफ 9 बचा अपने पास, 6 मॉड ऑफ 9 मतलब क्या हुआ 6 डिवाइड बाय 9, तो 9 0 जा 0 तो रिमाइंडर कितना है 6, तो टोटल आंसर अपना कितना आ गया 6। आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब जैसे ये तो हुआ प्लस का, सेम वैसे ही माइनस का हुआ, सेम तरीका अपनाना है। अब मल्टीप्लाई में देख लो, सेम ऑप्शन है 482 मल्टीप्लाई 813 मॉड ऑफ 7, तो अपन वही इसको क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 482 मॉड ऑफ 7 मल्टीप्लाई 813 मॉड ऑफ 7, तो इसको करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे भाई डिवाइड करते हैं, 7 6 42 आ गया, तो अपने पास बचा 62, फिर बचाएगा 7 8 56, तो ये बच जाएगा अपने पास 6 मॉड ऑफ 7, प्लस इसको करते हैं 7 1 7 7 1 7 से जाएगा 7 1 7 जाएगा 7 1 पहले 7 से गया 7 1 7 से ही जाएगा 42 7 6 मल्टीप्लाई 7 6 42, रिमाइंडर आ गया 1 मॉड ऑफ 7। अब मॉड ऑफ 7 एक तरह से बाहर निकालो तो अंदर क्या बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, तो अपने पास क्या है 6 मॉड ऑफ 7, 6 मॉड ऑफ 7 मतलब क्या हुआ 6 डिवाइड बाय 7, तो 7 0 0 रिमाइंडर क्या है 6, तो आंसर कितना है अपना 6। ये चीज़ क्लियर है। अब इसी में ही सपोज आपके पास क्या है सीरीज वाले क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 987 प्लस 876 प्लस 765 प्लस 654 प्लस 543 प्लस 432 प्लस 321 प्लस 210, ये पूरा जो है डिवाइडेड बाय किससे है 6 से, तो अपन को बताने रिमाइंडर क्या होगा। आप इतना बड़ा प्लस करने बैठोगे ना एग्जाम में तो प्लस ही करते रह जाओगे, तो उससे बेटर इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं 987 मॉड ऑफ क्या निकालते हैं 6, तो 987 मॉड ऑफ 6, तो 6 वन जा 6 जाएगा, फिर 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर आ गया अपना 3। नेक्स्ट अपन निकालते हैं 876 मॉड ऑफ 6, तो अपना जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, तो रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट अपना जाएगा 765 मॉड ऑफ 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, रिमाइंडर क्या आया 3। नेक्स्ट अपना जाएगा 654 मॉड ऑफ 6, देखो 654 6 की टेबल में आता है तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। नेक्स्ट अपना जाएगा 543 मॉड ऑफ 6, तो अपना चल जाएगा ये 6 9 54, और रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 3। नेक्स्ट नंबर अपना जाएगा 432 मॉड ऑफ 6, तो 432 मॉड ऑफ 6, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 6 6 7 42 6 3 12 6 2 12, रिमाइंडर आ गया 0। नेक्स्ट आ गया अपना 321 मॉड ऑफ 6, तो 6 5 30 6 3 18, तो रिमाइंडर आया अपना 3। नेक्स्ट आ गया लास्ट अपना 210,
मॉड ऑफ सिक्स, तो 2106 के टेबल में आता है तो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। अब क्या करेंगे अपन, इन सब को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस जीरो। मॉड ऑफ क्या निकालोगे, सिक्स, तो एक दो तीन चार, थ्री फोर जो ट्वेल्व, ट्वेल्व मॉड ऑफ सिक्स, तो ट्वेल्व मॉड ऑफ सिक्स, रिमाइंडर कितना आया, जीरो। मतलब अपना फाइनल आंसर जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा अपना, जीरो। ये आ गया समझ में, आंसर भी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 4895 मल्टीप्लाई 6789, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है इस नंबर की लास्ट टू डिजिट्स क्या होगी। देखो जब भी ऐसे आ गया ना लास्ट टू डिजिट, तो अपन क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ लेंगे अपन 100। अगर आ गया लास्ट डिजिट तो लेंगे मॉड ऑफ 10, लास्ट थ्री डिजिट तो मॉड ऑफ 1000। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, सिंपल 4895 मॉड ऑफ 100 लेते हैं, क्योंकि लास्ट टू डिजिट निकालनी है, मल्टीप्लाई 6789 ले लेते हैं मॉड ऑफ वही 100। अब इसका मॉड ऑफ 100 निकालोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 95 बचेगा, 95 मॉड ऑफ 100 मल्टीप्लाई इसमें कितना बचेगा, 89 मॉड ऑफ 100, 89 मॉड ऑफ 100 बचा। अब मॉड ऑफ 100 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, 95 मल्टीप्लाई 89, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अपना ये आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई 89, तो अपना आंसर आया 8455 मॉड ऑफ 100। अब 8455 मॉड ऑफ 100 आंसर कितना देगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 55। लास्ट टू डिजिट कितने हो गए अपने पास, 55। वैसे ही फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 2345 मल्टीप्लाई 4567, इसने बोला लास्ट थ्री डिजिट निकालनी है, तो अपन क्या ले लेंगे, 2345 मॉड ऑफ 1000 मल्टीप्लाई 4567 मॉड ऑफ 1000, तो ये कितना आ गया अपने पास, 345 मॉड ऑफ 1000 मल्टीप्लाई 567 मॉड ऑफ 1000। अब 345 प्लस 556 हो जाए, 567 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई और होल मॉड ऑफ 1000, तो इसको सॉल्व करते हैं, 345 मल्टीप्लाई 567, तो आपका आंसर आया 195615 मॉड ऑफ 1000, तो आंसर कितना हुआ अपना 615। ये चीज़ क्लियर है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये तो अपना क्या था, पार्ट नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अभी ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना छोटा चैप्टर नहीं है। तो ये अपना था मॉड्यूलो अर्थमेटिक का भी पार्ट नंबर वन। ठीक है, अभी इसका अपने नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन अगर आप चाहते हो हमारी वीडियोज डेली देखो, तो चैनल को लाइक करो, जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।